नर्सिंग कॉलेज की पूर्व छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को माधव नगर पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर छात्रा से 10 लाख रुपए की मांग करने वाले आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म एवं ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज किया है। युवती के परिजन ने बताया कि आरोपी इकरार शेख देवास का रहने वाला है। साल 2015 में उक्त युवक एवं युवती मक्सी रोड स्थित निजी नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग कोर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान इकरार ने युवती से दोस्ती कर ली। कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के दौरान इकरार ने युवती के कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। नशे की हालत में उससे दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। कुछ समय बाद वीडियो दिखाकर वे उसे ब्लैकमेल करने लगा। 5 साल में वह युवती को डरा धमकाकर अब तक 1 लाख रुपए वसूल चुका है। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती डिप्रेशन में रहने लगी थी। कुछ दिनों से उसने घर में बातचीत करना बंद कर दी थी। परिजनों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि कॉलेज में साथ पढ़ने वाला इकरार नामक युवक उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद परिजनों ने माधव नगर थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। TI राकेश मोदी ने बताया, इकरार के खिलाफ दुष्कर्म एवं ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है।